प्रदेश में क्या खनन माफिया इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि सरकार अपने आप को उनके सामने लाचार महसूस करने लगी है? बात शायद इतनी ही बढ़ चुकी है तभी प्रदेश के पर्यावरण मंत्री अब सरेआम सरकार की लाचारगी और खनन माफिया के शक्तिशाली होने की बात कह रहे हैं। राजस्थान प्रदेश के खान एवं पर्यावरण मंत्री राजकुमार रेणवा, इन पर जिम्मेदारी है पर्यावरण को बचाने की और खनन माफिया की सफाई की, लेकिन यहां हालात कुछ और ही हैं। खनन माफिया पर कार्रवाई तो दूर, खुद मंत्री महोदय सार्वजनिक रूप से सरकार की लाचारगी का बखान करने से नहीं थकते। मंत्री रेणवा की माने तो प्रदेश में सक्रिय खनन माफिया पर लगाम लगाना आसान नहीं। खनन माफिया खुद शक्तिशाली तो है ही, साथ ही सामाजिक राजनीतिक रसूखदार खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन भी मौजूद नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है, आपको बताएं, इतनी ज्यादा उनकी वो शक्तिशाली लोग हैं। आपस में भी आपने देखा थे, 7-8 दिन पहले 6-7 लोग मर गए थे आपस में फायरिंग में, तो उनके लिए कोई करना पड़ेगा। वो इस तरह के हैं कि वो बिना सीआरपीएफ और आरएएस या ऐसी कोई बीएसएफ के बिना कंट्रोल होने वाले लोग नहीं। उनके पास में भी ऐसे ऐसे आधुनिक हथियार है, उनके इलाकों में जाना इतना मुश्किल हो रहा है। हम लोग कर रहे हैं, उस क्षेत्र में एक बहुत ही होनहार एसपी को लगाया है और उसने काफी कंट्रोल कर लिया है, मगर वो डाइवर्ट हो गए, वो तो चोरियां करने लग गए। तो हम तो चेष्टा कर रहे हैं कुछ ऐसी नीति बनाकर कोई रास्ता बनाए करे। ये जो वन भूमि में ज्यादा करते हैं, तो हम सोचते हैं वन भूमि को अगर फॉरेस्ट से निकाल कर डाइवर्ट कर खनन को दे दें, और खनन की जो जमीन है रेवेन्यू की और जो सवाईचक वो दे दे वन को, तो उसके अंदर में जब लीज दे देंगे ना, तो उसके बाद में अवैध माइनिंग रुक जाएगी। मंत्री राजकुमार रेणवा के इस बयान को उनकी साफगोई माना जाए या फिर सरकार की लाचारगी, जो भी हो, मंत्री का यह बयान सरकार को आईना दिखाने वाला है, और फिर जब मंत्री के यह बयान सामने आएंगे तो समझा जा सकता है कि उनके नेतृत्व में विभाग कितनी जिम्मेदारी से काम कर रहा होगा। रेणवा सोमवार को अजमेर प्रवास के दौरान जैन संत विद्यासागर महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए थे। चेष्टा करने की भी एक क्षमता रहती है, कोई दुश्मन देश तो है नहीं कि भी ठीक है हम उससे लड़ रहे कर रहे हैं, वो हमारे अंदर के ही इलाकों के और के, तो जब भी अच्छा कुछ उनकी मजबूरी भी है कि उनके यहाँ और कोई काम धंधा भी नहीं है, वो ट्रॉली भर कर ले गए, डंपर भर कर ले गए। हमारी तरफ से कड़ाई चल रही है, पीछे में हमने बजरी पर भी खूब किए थे 50-50 सेक्टर का, तो काफी इसमें सफलता मिली है। और हम देख रहे हैं अगर ये जो अवैध माइनिंग जहाँ जिन जंगलों से हो रही है वो अगर डाइवर्ट हो जाएगी रेवेन्यू इस लैंड में और सवाईचक में, तो इससे काफी लीज दे देने के बाद में काफी कंट्रोल आ जाएगा।